मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा एवं पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ किया। प्रारंभिक चरण में भोपाल, जबलपुर, रीवा, खजुराहो, उज्जैन और पचमणी को धार्मिक पर्यटन हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय धार्मिक पर्यटन हेली सेवा के पहले यात्री बने और भोपाल से ओंकारेश्वर और उज्जैन के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को स्टेट हैंगर पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा एवं पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत विभिन्न शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू की जाएगी। शुरुआत में 8 सीटर वाले 2 ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट चलाए जाएंगे। प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों के अलावा हवाई पट्टियों को भी इससे जोड़ा जाएगा। प्रारंभिक चरण में भोपाल, जबलपुर, रीवा, खजुराहो, उज्जैन और पचमणी को धार्मिक पर्यटन हवाई सेवा से जोड़ा जा रहा है। इसका दायरा बढ़ाकर आने वाले समय में पर्यटकों की मांग के अनुसार अन्य शहरों को जोड़ दिया जाएगा। सभी प्रकार के विकास की गतिविधियों को लेकर के जब भौगोलिक एरिया बड़ा हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से हमको हवाई सेवाओं का विस्तार करना चाहिए। इसी योजना के अंतर्गत हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर ये हवाई यातायात सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसके माध्यम से हम बड़े शहरों में अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, जिसके माध्यम से लोग आवागमन में सरलता से समय भी बचेगा, संसाधन भी बचेंगे और व्यवस्थाओं का लाभ भी मिलेगा। इसी प्रकार हमारे धार्मिक पर्यटन की या पर्यटन केंद्रों के लिए जहाँ हवाई पट्टियाँ छोटी है या न के बराबर है, वहाँ नज़दीक से हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध करके जो बाकी जगहों पर होता है उसी प्रकार से यहाँ इसका लाभ दे रहे हैं। मैं अपनी ओर से इस नई सुविधा के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आभार मानता हूँ कि हमारी सरकार ने जो संकल्प किया था कि हम अपने हवाई यातायात की दिशा में बहुत ठोस कदम उठाएंगे, हमारा संकल्प आज पूरा हो रहा है, मेरी अपनी ओर से बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मौके पर कहा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इन हवाई सेवाओं के शुरू होने से प्रदेश में धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। सीएम मोहन यादव ने कहा कि अंतर्राज्यीय हवाई सुविधा का विस्तार करने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। पीएम श्री धार्मिक पर्यटन सेवा सबसे पहले ओंकारेश्वर उज्जैन तक पहुंच रही है। पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहले यात्री बने। वो भोपाल के स्टेट हैंगर से हेलीकॉप्टर के जरिए ओंकारेश्वर रवाना हुए, जहां वो ममलेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे। उसके बाद वहां से उज्जैन महाकाल के दर्शन करने पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर से ही कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी बात कही। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने पीएम श्री धार्मिक हेली पर्यटन योजना प्रारंभ की, मुझे अवसर दिया है पहला यात्री बनकर इस यात्रा में जाने का। यहाँ से हम ओंकारेश्वर जाएंगे, ओंकारेश्वर से उज्जैन महाकाल के दर्शन करेंगे। पहले ओंकारेश्वर में ममलेश्वर भगवान के दर्शन करेंगे, उसके बाद उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन करेंगे। यह आम यात्रियों के लिए सुविधाएं हैं। मुझे लगता है कि इंदौर, ओंकारेश्वर और उज्जैन के सर्किट में ज़्यादा से ज़्यादा शुल्क 10,000 प्रति व्यक्ति लगेगा और समय की बहुत बचत होगी। 3 घंटे में दोनों स्थानों के दर्शन कर पाएंगे। ये बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद देता हूँ और उन सब धार्मिक लोगों को जो ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर दोनों की एक साथ कम समय में यात्रा करना चाहेंगे, उनके लिए बहुत बड़ा तोहफा है। जय श्री महाकाल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।